सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड स्क्वाड मूवी के अपडेट के बारे में, जो फिल्म अब जेम्स गन के अंडर है। बोल तो क्या है इस फिल्म की डिटेल, चलिए उस पर कुछ नजर डालते हैं। सो फ्रेंड्स, इस फिल्म को लेकर ज्यादा अपडेट तो नहीं, बल्कि एक अपडेट ये आया है कि इस फिल्म में बूमरैंग का रोल करने के लिए जैक उटनरी फिर से वापस आएंगे। जी हाँ, ये बात उन्होंने खुद कंफर्म की है। लेकिन अभी फिल्म को रिलीज होने के लिए काफी ज्यादा टाइम है और अब तक फिल्म के प्रोडक्शन को भी शुरू नहीं किया गया है, इसलिए वो फिल्म को लेकर ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते। बस उन्होंने अपने रोल की कन्फर्मेशन कर दी है और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इस फिल्म में विल स्मिथ डेडशॉट का रोल करने के लिए फिर से रिटर्न नहीं आएंगे उनकी जगह, बल्कि इद्रिस एल्बा को ले लिया गया है और फिल्म का प्रोडक्शन इसी साल के एंड से पहले शुरू हो जाएगा। और मैंने ये बात बार बार कही है और फिर से एक बार कहता हूँ कि ये सुसाइड स्क्वाड जेम्स गन की एक अलग सुसाइड स्क्वाड फिल्म रहेगी। और जेम्स गन ने ये भी बताया है कि इस फिल्म का पुरानी वाली सुसाइड स्क्वाड से कोई भी लेना देना नहीं होगा, यानी एक हिसाब से ये सुसाइड स्क्वाड की यूनिवर्स की एक रिबूट है, जिसकी स्टोरी भी जेम्स गन ने लिखी है और फिल्म को डायरेक्ट भी जेम्स गन ही करेंगे। और इस फिल्म को खत्म करने के बाद ही जेम्स गन जाकर फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। उसके पहले कोई भी चांसेस नहीं है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म सुसाइड स्क्वाड 2 फिल्म के पहले आ जाए। अब अगर आप पूछोगे कि मैंने इस फिल्म को सुसाइड स्क्वाड 2 क्यों कहा, तो फिलहाल के लिए इस फिल्म के टाइटल को यही रखा गया है और अब तक फिल्म के ऑफिशियल टाइटल को कंफर्म नहीं किया गया है। यानी जब तक ये ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती कि इस फिल्म के टाइटल को क्या रखा है, तब तक फिलहाल के लिए इस फिल्म को सुसाइड स्क्वाड 2 ही बोला जा सकता है। वेल, तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है सुसाइड स्क्वाड 2 फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।